एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, एमपी का बेटा एमएलए बन रहा है, एक ही घर के अंदर यहाँ पर ये हो रहे हैं। वोटिंग डालने के वक्त 19 वोट डाल सकते हैं एक वोट में, लेकिन इसके अंदर सिंबल नहीं रहेगा, आपको पेन से लिखना होगा। मैं तमाम नॉर्थ ईस्ट के ग्रेजुएट वोटर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस अब्दुल जब्बार दोला को वोट दीजिए, सेकंड प्रेफरेंस आप जिस पार्टी को देना चाह रहे हैं, जिस कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, उनको दीजिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। नॉर्थ ईस्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन 3 जून 2024 को है। मैं तमाम नॉर्थ ईस्ट के ग्रेजुएट वोटर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट जनाब अब्दुल जब्बार गोला साहब के हक में देकर भारी सिरे से उनको कामयाब बनाइए, क्योंकि ये इलेक्शन एक अलग तरह का इलेक्शन है। वो इलेक्शन जो वो नहीं है जो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन की तरह, ये इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर प्रेफरेंशियल वोट रहता है, आप अपना वोट यहाँ पर बैलेट पेपर के अंदर सिंबल नहीं होता है, वहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और मुख्तलिफ पार्टियों के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। टोटल 19 कैंडिडेट जो मुझे पता चला है कि टोटल 19 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, यानी आप 19 वोट आप डाल सकते हैं। वोटिंग डालने के वक्त 19 वोट डाल सकते हैं एक वोट में, 19 डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंबल नहीं रहेगा, आपको पेन से लिखना होगा प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस और ये 19 तक लिख सकते हैं। चाहे तो आप एक फर्स्ट प्रेफरेंस, एक ही प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर एक वोट का एक क्वालिफाइंग ये रहता है, अगर कोई आदमी इतने वोट लेकर अगर क्वालिफाई अगर हो रहा है तो वो आगे जाएगा, अगर क्वालिफाई नहीं होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब वो एलिमिनेट हो जाएगा, उनके जो सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट होते हैं वो सेकंड प्रेफरेंस वोट वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको भी सेकंड प्रेफरेंस वोट डाले उनको ट्रांसफ़र, उनके वोट उनको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अब्दुल जब्बार गोला साहब को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डालकर, वो एडवोकेट हैं, वो हमारे एडवोकेट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ है और हर मामले में जब भी ज़रूरत पड़ती है हर मामले में वो पेश रहते हैं। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट को हम आइडेंटिफाई करना होगा, वरना ऐसा होता है कि आप जो है एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, एमपी का बेटा एमपी बन रहा है, एमएलए बन रहा है, एक ही घर के अंदर यहाँ पर ये हो रहे हैं। तो मैं वो अभी इससे पहले ऑलरेडी है, उनको मौका मिला था, फिर कांग्रेस पार्टी फिर एक बार उनको ही ये करें, तो यहाँ पर सबको मौका मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस को भी कंसिडर करना चाहिए। एक ही बार एक ही आदमी को एक ही घर से बार बार फ्रिक्वेंटली आप टिकट देते हैं तो दूसरे को तो क्यों मौका नहीं, दूसरे क्या गुलबर्गे में सिर्फ ये 3-4 फैमिली के लोग वहाँ पर असेंबली और काउंसिल में रहना है, दूसरे जो काबिलियत रखने वाले जो जज्बा रखने वाले लोगों को उनको मौका नहीं देना चाहिए, या देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। यह मत कहिए कि यहाँ पर वोट डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, इसमें तकसीम होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रेफरेंशियल वोट होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस अब्दुल जब्बार दोला को वोट दीजिए, सेकंड प्रेफरेंस आप जिस पार्टी को देना चाह रहे हैं, जिस कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, उनको दीजिए। इन्हों अगर एलिमिनेट हो गए तो इनके सेकेंड प्रेफरेंस को भी वोट देंगे, वो सेकेंड प्रेफरेंस वोट वो कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि यह इलेक्शन ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिस तरह से एमएलसी के अंदर 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, लोकल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, टीचर का कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, ये अलग अलग एक कैटेगरी बनाए हैं। ये अपर हाउस है जिसमें जुमला 75 मेंबर्स होते हैं, जिस तरह से असेंबली में 224 होते हैं उसी तरह से एमएलसी के अंदर 75 एमएलसी होते हैं, और ये 75 एमएलसी में अलग अलग शोबों से आते हैं, वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर नॉमिनेट करता है, एमएलए भी जो 25 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, 7 मेंबर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से ग्रेजुएट टीचर लोकल बॉडी से 7 मेंबर जो है वहाँ पर उनका चुना जाता है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है 3 तारीख 6वां महीना जून यानी 2024 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पोलिंग होगी, उस पोलिंग में आप वक्त से पहले जाकर वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कीजिए, और साथ ही साथ एक काबिल उम्मीदवार जो एडवोकेट हैं अब्दुल जब्बार गोला साहब को
फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डालकर, बाकी अगर आप दूसरे को अगर सेकंड प्रेफरेंस अगर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। शुक्रिया। This video presented by Sabha International School Gulbarga, students getting both Islamic and modern education from well-qualified teachers, indoor and outdoor games, and receive care from dedicated staff, air conditioners, smart classes, admission are now open, contact for more details.